नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडीएजी ग्रुप के बारे में। तो एडीएजी ग्रुप के जो 6-7 स्टॉक हैं, आज हम उन्हीं 6-7 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये सभी एडीएजी ग्रुप है, अनिल अंबानी का है। तो मेरे हिसाब से आज तक जितने भी एडीएजी ग्रुप के शेयर हैं, जब से लिस्ट हुए हैं आज तक कभी भी निवेशकों को इसने पैसा बना के बिल्कुल नहीं दिया है। जितने भी निवेशक हैं सब अपने हाथ इन स्टॉकों में जला के बैठे हैं, किसी को भी आज तक प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, एक कल हमने हमारा वीडियो बनाया था, जो टू व्हीलर सेक्टर था उसके बारे में जो वीडियो था, वो वाला वीडियो ये रहा। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ जाके देख सकते हैं कि जो टू व्हीलर ऑटो सेक्टर है उसमें भविष्य में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और इसे जो शेयर है हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो और आईएसएम मोटर, इनों के बारे में क्या करना चाहिए वो हमने इस वीडियो में बनाया। आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती ही रहे स्टॉक मार्केट से संबंधित। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडीजी ग्रुप के बारे में। तो जब से लिस्ट हुई है, आर कॉम, आर पावर, आर इंफ्रा, और इसके बाद हो गया ये आरएसएफएल, हो गया रिलायंस होम फाइनेंस, हो गया और रिलायंस निपोन एसेट मैनेजमेंट, और एक और इनो का नेवल, रिलायंस नेवल। तो ये सभी स्टॉक एडीजी ग्रुप के हैं। तो जब से लिस्ट हुए हैं आज तक किसी, मेरे हिसाब से किसी भी निवेशक ने इसके अंदर पैसा बिल्कुल नहीं बनाया। जितने भी निवेशक हैं शायद सब हाथ जला के बैठे हैं, सभी को नुकसान हो रहा होगा। और जितने भी निवेशक हैं अभी तक इन शेयरों को बेच के निकले भी नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हो गया है। इतने हाई हाई कीमत पे, ऊंची कीमत पे खरीद के बैठे हुए लोग इन शेयरों को सोच रहे हैं कि भविष्य में इनकी कुछ कीमत आ जाएगी तो बेच के निकल जाए, लेकिन आज तक तो कीमत इनों की बिल्कुल नहीं आई है। जिन लोगों ने खरीदा है सब लॉस में बैठे हुए हैं। और अब आप देखिए कौड़ियों के भाव हो चुके हैं। आर कॉम 2 रुपये, आर पावर 5 रुपये, आर कैपिटल 70 रुपये, आर इंफ्रा 50 रुपये, आर एच एफ एल 13 रुपये, नेवल भी शायद, रिलायंस नेवल भी 13 रुपये के आसपास चल रहा है। तो ये हाल हो चुके हैं इन शेयरों के। तो हम इस वीडियो में इन शेयरों के बारे में बात करेंगे कि एडीएजी ग्रुप के शेयर की ऐसी कैसी हालत ये क्यों हो गई है, और अब इन शेयरों में अगर लेने का विचार बना रहे हो तो क्या करना चाहिए, लेने तो दूर अवॉइड करना चाहिए, और जो इतना बड़ा लॉस करके बैठे हैं आप सभी लोग। सौभाग्य की बात है कि मैंने एडीजी ग्रुप में जब शुरू में 2011 या 12 में निवेश किया था, आरकॉम में जब 100 रुपये के आसपास चलता था, तो एक दो बार 10-10 15-15 रुपए का पर शेयर का प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। और आर पावर में भी जब 70-72 रुपए के आसपास चलता था उस समय भी एक दो बार प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद मैंने आज तक नहीं खरीदा ये एडीएजी ग्रुप के शेयर, क्योंकि सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात बोलो कि एडीएजी ग्रुप के शेयरों ने आज तक कभी कभी भी रिटर्न नहीं दिए। पता नहीं अनिल अंबानी की कंपनियों में क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या दिक्कत है कि आज तक निवेशकों को कभी रिटर्न नहीं दिए, जबकि मुकेश अंबानी के बहुत अच्छे चल रहे हैं शेयर, हमेशा रिटर्न बना के दिए। पता नहीं ये अनिल अंबानी का क्या हो गया है, शेयरों क्या हो गया। तो मैंने तो 2011-12 में निवेश किया था इन्होंने, तो उस समय अपना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट था बुक कर लिया था, उसके बाद आज तक निवेश नहीं किया है। लेकिन बहुत लोग फंसे हुए इन शेयरों के बारे में। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रही है, मैंने अभी इन्हों का एनालिसिस किया है, तो अनिल अंबानी की जो कंपनियां हैं, अब आर इंफ्रा को देखेंगे बहुत ही ज्यादा कर्ज है आर इंफ्रा के, आर कॉम के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज, आर पावर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। तो जो मैनेजमेंट है वो ढंग से इन कंपनियों को चला नहीं पाया, इतना ज्यादा कर्ज होने के बाद भी इन कंपनियों को बिल्कुल नहीं चला पाया। तो हम अब एक एक करके इन सभी कंपनियों को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आर पावर को देख लेते हैं। ये आर पावर का चार्ट है, ये 2009 के 8 के आसपास लिस्ट हुआ था। इसने लगभग कितना हाई बनाया था, 333-334 रुपए का हाई बनाया था। उसके बाद आज के देखेंगे, आज की डेट में ये शेयर 5 रुपये और 30 पैसे पे चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं वीकली चार्ट है, लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कभी भी इसने अपने बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब से लिस्ट हुआ है जब से लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कभी भी इसने कोशिश नहीं करी। तो बहुत मौके थे आपको इस शेयर से निकलने के लिए। यहाँ देखो, ये डबल ट्रिपल टॉप बनाया, यहाँ मौका था, यहाँ हल्का सा डबल टॉप बनाया, यहाँ मौका था, आप कभी भी इस शेयर से निकल सकते थे। जो आज बिल्कुल जीरो हो गया आपका पैसा, होने वाला है क्या, 5 रुपये बचा है। तो बहुत मौके थे, आप इसमें निकल सकते हैं। अब आरकॉम में ये प्रॉब्लम क्यों आई है, इस आर पावर की, अगर हम आर पावर के कर्ज की बात करें, आर पावर पे इस समय जो कर्ज है
40,000 इसका तो इस समय आर पावर पे जो कर्ज है, टोटल आर पावर के ऊपर इस समय 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है इसके आर पावर के ऊपर में, आर पावर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा कर्ज आर पावर के ऊपर है, कंपनी इस कर्ज को मैनेज बिल्कुल नहीं कर पाई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी दिक्कत आर पावर में कर्ज की है। उसके बाद अगला स्टॉक जो हम देखते हैं, अगला स्टॉक देखेंगे हम, अब दूसरा स्टॉक है दोस्तों वो है आरकॉम। तो आरकॉम देख सकते हैं ये 2007-06 के आसपास से लिस्ट हुआ था, 2006 में। उसके बाद देखेंगे लगभग 200-250 रुपए में लिस्ट होने के बाद 800 रुपए का इसने हाई बनाया था। 800 रुपए के हाई बनाने के बाद अधिकतर निवेशक इस 800 रुपए के हाई के आसपास बहुत फंसे हुए हैं इसमें। उसके बाद आज तक लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये। बीच में 136 रुपए का आने के बाद इसने फिर यहाँ पे अपना एक और हाई दिखाया था 350। यहाँ अच्छा खासा निकलने के मौके थे आपके पास में। तो उसके बाद देखेंगे आप ये लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कभी भी कुछ था ही नहीं इनो में, लगातार डाउन ट्रेंड। जो आरकॉम के चार्ट हैं वो कि वो सॉरी जो आर पावर के चार्ट हैं वो कि वो आरकॉम के चार्ट हैं। इस समय अगर इसकी कीमत देखें तो क्या चल रही है, 1 रुपये 55 पैसे। ठीक है दोस्तों, ये 1 रुपये 55 पैसे अब क्या रह गया इस शेयर में। 800 रुपये के हाई पे जिन लोगों ने निवेश कर रखा होगा वो 1 रुपये 55 पैसे, लगभग 99% उनों की जो भी निवेश था वो पूरा खत्म हो चुका है इस आरकॉम के अंदर। और आरकॉम के अगर कर्ज की बात करें हम आरकॉम के ऊपर, तो आरकॉम के ऊपर है 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत आरकॉम में 70,000 रुपए कर्ज है। ऊपर से 2010 ये जो जियो आ गई है, जब से जियो ने इसकी रहीसाई कसर वो भी पूरी कर दी है, तो जरूरत से बहुत ज्यादा कर्ज बना लिया था आरकॉम ने अपने ऊपर और उस कर्ज को ये चुका नहीं पाई थी। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं इसका एक और। अब दोस्तों जो तीसरा स्टॉक है वो है रिलायंस इंफ्रा। तो रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो रिलायंस इंफ्रा ने लगभग यहाँ पे 2600-2700 रुपए का हाई लगाया हुआ है। 2600-2700 रुपए का हाई लगाने के बाद ये गिर के 350 रुपए भी आ गया था, और 350 रुपए से आके ये दोबारा भर 2010 के अंदर ये वापस 1300-1400 रुपए हो गया था। उसके बाद आप देखेंगे लगातार ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है लगातार। ठीक है, अब इसके चार्ट को बड़े करते हैं हम। तो आप देखिए स्टॉक यहाँ पे 800 रुपये था, 800 रुपये के बाद भी ये लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मतलब अब निवेश तो कर रहे हो, कभी ये नहीं देख रहे कि उसके चार्ट क्या बोल रहे हैं, कभी चार्ट कुछ कह ही नहीं रहे, हमेशा वो कह रहे हैं बिकवाली करो, कभी बढ़ने की सोच नहीं रहे। जो एडीएजी ग्रुप है सबों स्टॉक चार्ट एक जैसे हो चुके हैं। वही देख लो जो आरकॉम का था, आर पावर का था, वो कि वो रिलायंस इंफ्रा क्या हो गया, कितना हो गया है 55 रुपये के आसपास से चल रहा है, कुछ नहीं बचा। 2700 रुपए का हाई से 55 रुपए पे ये भी आ गया है। ठीक है, और आर इंफ्रा के हम अगर हम कर्ज की बात करें तो 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज है आर इंफ्रा के ऊपर। देख लीजिए आर पावर के ऊपर 70,000 करोड़ कर्ज, आर कॉम के ऊपर आर पावर के ऊपर 40,000 करोड़ का कर्ज है, आर कॉम के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज और आर इंफ्रा के ऊपर 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज। तो कितना कर्ज हो गया है इन तीनों कंपनियों के ऊपर, जिसको ये बिल्कुल नहीं चुका नहीं पा रहे। और जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहा है, जो कंपनी कर रही है वो पूरा ब्याज जो कर्ज लिया उसके ब्याज देने में निकल जाती है, तो लॉस में तो रहनी है, कुछ नहीं रहा। अगला स्टॉक देखते हैं हम। तो एडीजी ग्रुप का जो चौथा स्टॉक है वो आर कैपिटल, रिलायंस कैपिटल। तो रिलायंस कैपिटल में देख सकते हैं कि 2007-08-10-11 यहाँ पे तो इन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया है। उसके बाद इसने हाई लगाया है, जो आर इंफ्रा का हाई था लगभग उसी के आसपास, वही साल सब कुछ सेम के बराबर, वही 2600-2700 रुपए का हाई लगाया है। एक चीज नोटिस करिए, मैंने वो वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी चीज नोटिस करिए, और सभी स्टॉकों में ठीक है वो बताएंगे आपको। तो उसके बाद आप खुद देखिए इस स्टॉक ने जो आर इंफ्रा ने जो चाल दिखाई थी, आर पावर ने दिखाई थी, आर कॉम ने दिखाई थी, वो की वो हाल वो सेम टू सेम चार्ट इसके भी नजर आ रहे हैं 2600 रुपए के हाई से। अब आप खुद देखिए ये पिछले एक साल का चार्ट लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, 800 रुपए का हाई था, अगर यहाँ भी निकल जाते, यहाँ पे लेने का कोई सवाल ही नहीं था, यहाँ पता नहीं लोगों ने क्यों ले लिया इन स्टॉकों को। उसके बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इस समय इसकी कीमत 72 रुपए के आसपास है। ठीक है, चारों कंपनियों के हमने देखे हैं, चारों कंपनियों के सेम टू सेम एक जैसे चार्ट है। अब अगला स्टॉक देखते हैं हम। अगला स्टॉक है दोस्तों वो है RHFL, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। तो इसके भी चार्ट देखिए लगातार डाउन ट्रेंड में, जो चार्ट उसके थे
वो चार्ट सेम टू सेम इसके भी हैं, कोई जरूरत नहीं कुछ कहने की। जितने भी अभी तक हमने एडीजी ग्रुप के वो देखे हैं, चार्ट देखे हैं, सेम टू सेम चार्ट इनो के भी हैं। ठीक है दोस्तों, भाई एक ही पिताजी के बेटे हैं सब, ये तो एक जैसे चार्ट हैं सबों के, यही कह सकते हैं। अनिल अंबानी इनो का बाप है और ये सब उनों के सात बेटे हैं, तो सात बेटे एक ही राह पे चल रहे हैं, एक भी बेटा अलग राह पे नहीं चला, एक बेटा चल रहा है वो भी बताएंगे अब। चलो अब आप बताइए, क्या ये चार्ट देख के कह नहीं रहे हो कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है क्या? क्यों फिर किस लिए निवेश करते हैं इन शेयरों में? चार्ट में कोई वो नहीं कह रहा कि आप इस शेयर को बाय करो, ये अनिल अंबानी के निकम में बैठे हैं सब ये। अब हम अगला देखते हैं, तो दोस्तों जो अगला स्टॉक है वो है रिलायंस नेवल। तो रिलायंस नेवल के अंदर भी देखेंगे, ये अच्छा खासा एक रेंज बना रखी थी, 120 का हाई लगाया 2016 में। उसके बाद वही जो पांच बेटों का हाल था वो की वो हाल, इसका भी लगातार डाउन ट्रेंड में, कोई वो नहीं है, खरीदने का कोई मतलब नहीं था। जो चार्ट उनों के नजर आ रहे थे वो की वो चार्ट इसके नजर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई वो नहीं है कि आप इसमें निवेश करिए, लगातार डाउन ट्रेंड में। अभी तक हमने छह स्टॉक देखे हैं, आर कॉम, आर पावर, आर इंफ्रा, आर कैपिटल, आर एच एफ एल और रिलायंस नेवल। छो के चार्ट सेम टू सेम एक जैसे हैं, कोई भी फर्क नहीं इन चार्टों में। अब इनो के अंदर जो सातों बेटा है वो हमें, मुझे ठीक लगता है इन कंपनियों के छह के बदले जो सातवां स्टॉक है अनिल अंबानी का, वो कुछ ठीक ठाक लगता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो सातवां स्टॉक है वो है रिलायंस निपोन लाइफ एसेट। तो ये स्टॉक ठीक लगता है, ये भी दोस्तों डाउन ट्रेंड में चल रहा था, इसके भी हाल चार्ट वैसे नजर आ रहे थे जो उनके थे, कोई ज्यादा असर नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इसने अपना डाउन ट्रेंड वो शायद खत्म करने जा रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इस चक्कर में ये स्टॉक ठीक लगता है। मेरी खुद की म्यूचुअल फंड की एसआईपी जाती है इसी के अंदर, रिलायंस के अंदर, तो मैं क्यों इसकी बुराई करूं। लेकिन अब इसका भी देखिए, ठीक है दोस्तों, जो सातों के चार्ट एक जैसे हैं, लेकिन ये डाउन ट्रेंड को खत्म करके अप ट्रेंड की शुरुआत कर रहा है, ये यहाँ रेंज में घूम रहा था। लेकिन जो इसका बिजनेस है उसके हिसाब से जो सातों में कुछ ठीक लग रहा है वो ये रिलायंस निप्पॉन का ही ठीक लग रहा है, बाकी तो कोई भी शेयर खरीदने लायक नहीं है। खरीदे क्या, बहुत नीचे आ गए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि एक बात बताएंगे कि सभी चीज कॉमन नजर आ रही थी, तो आप देखेंगे कि एडीएजी ग्रुप के जितने भी शेयर थे उनके अंदर 2008 9 के अंदर सबों ने अपना हाई लगाया। आर कैप का 2700-2800 का हाई था 2009 के अंदर, आर इंफ्रा का 2700-2800 का हाई था 2009 के अंदर, आर कॉम का हाई था 800 रुपये 2009 के अंदर, आर कॉम का 320 का हाई था 2009 के अंदर। तो इन शेयरों की एक बार जो कॉमन बात समझ में आई है कि 2009 के अंदर इन्होंने सबों ने हाई लगाया और उसके बाद ये लगातार गिर रहे हैं। तो 2009 से 8 9 9 साल के अंदर इन्होंने लोगों को कंगाल बना दिया, बिल्कुल पैसे जीरो कर दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जो एडीएजी ग्रुप के सभी शेयरों के बारे में हमने चर्चा करी है, आपको आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियोज और देखना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और अगर निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो एडीएजी ग्रुप में किसी भी शेयर में मत निवेश करिए, बस एक रिलायंस निप्पॉन ठीक ठाक लगता है, इसके अलावा आप बच के रहिए, किसी भी शेयर में निवेश ना करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।